बकरा ईद की पहचान, मेहमान मेजबान और पकवान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में लजीज पकवानों की तैयारी। कढ़ाही गोश्त, टिक्के कबाब, बारबेक्यू और बिरयानी। खातीन ने भी खाते तवासों में कोई कसर न छोड़ी। मजेदार कबाब, दही रायता भी दस्तरखान की जान बने। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज भी शहरियों का फैमिलीज के हमरा ईद एंजॉय करने का सिलसिला जारी है। शहरियों की फैमिलीज के हमरा घर घर ईद की दावतों से रौनक लग गई। कुर्बान है और इसमें तो आपको पता है खाने पीने का ही सब चल रहा होता है। और बड़े मज़े के खाने बनाए हैं, पुलाव बनाया है, कबाब और मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और साथ मज़े मज़े की इनके लिए मैंने खीर भी बनाई है। खवातीन सजने संवरने के साथ साथ तरह तरह के पकवान बनाने में मसरूफ हैं। मर्द हजरात ने खवातीन को पसंदीदा पकवान की लंबी फहरिस्त थमा दी है। पहला दिन तो जो है वो बिजी होता है कुर्बानी में, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। अब सेकंड डे जो है वो अच्छा दिन गुजर रहा है, माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे बनाए हैं मेरी वाइफ ने, और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो अभी हमने खाना खाना, उसके बाद हम कज़न से आउटिंग करने जाएंगे और आगे फर्दर प्लान्स बनाएंगे। पहले दिन हम मामू के घर जाते हैं, फिर हम मामा की खालों के पास जाते हैं, फिर हम कज़न से मिल जाते हैं। फैमिली का कहना है कि ईद के मौका पर फैमिली के साथ मिलजुल कर बैठना ईद का त्यौहार मजीद यादगार बनाता है। बंदे को सब कुछ आना चाहिए, तो मैं मामा के साथ किचन में भी हेल्प करता हूँ, इट्स ज़रूरी, मैंडेटरी। तो जब करते हैं खाना वाना, खाते हैं, उसके बाद फिर रात हमारी स्टार्ट होती है। अच्छा दिन जा रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह कज़न्स के घर जाएंगे और फैमिली एंड फ्रेंड्स से मीटअप करेंगे, एंड देन विल इंशाल्लाह फिर और देखेंगे क्या होगा। जिंदा दिलाने लाहौरी ईद छोटी हो या बड़ी खूब इंजॉय करते हैं। और बात ईद उल अज़हा की हो तो फैमिलीज का कहना है कि दावत से लुत्फ उठाने के बाद शाम में फैमिली के हमरा बारबेक्यू पार्टी से मजा दुबाला करेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। खाने के शौकीन अफराद ईद के दूसरे रोज भी रानी रोस्ट करवाने खाबू पर पहुंच गए, मगर रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि कुर्बानी महंगी होने के बायस इस साल ऑर्डर कम आए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे उस्वा फातिमा से। जी उस्वा बताइएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशी साथ चटखारों के साथ मनाती है, और ख़ास तौर पर जिन्होंने बकरा कुर्बान किया है वो राने रोश करवाने के लिए मुख्तलिफ खाबों का रुख करते हैं। इस साल कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आवाम राने रोश करवा रहे हैं या नहीं, हम जानते हैं। मेरे सारे खाबे के ही इसी तरह के एक बहुत ही मशहूर खाबे हैं, उनके जो है वो मालिक मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि इस साल के जो रानों के रोश करवाने के ऑर्डर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, आवाम कितनी दिलचस्पी ले रही है इस दफ़ा भी खानों में। अस्सलाम वालेकुम। कल तकरीबन 30-35 आया था, हम इंतज़ार था कि आज मेरे ख्याल से 70 तक अभी तक आया, ठीक है। जो पिछले साल था 3 दिन के अंदर हमने 300-400 के, इस साल में कुर्बानी महंगा है। अभी तक कस्टमरों ने रान रोज का अभी तक बिल्कुल ही पूरे मार्केट जवरतौन में मैंने कल राउंड लगाया, रान रोज बहुत कम आ रहा है। कल 30-35 आया था, जो पिछले साल मेरा 100 आया था, दूसरे दिन मेरा 300-250 आया था, आज अभी तक सारा दिन 76 आ चुका है। बिल्कुल, आपने जाना महंगी कुर्बानी होने के बायस, महंगा जानवर होने के बायस इस दफ़ा शायद कुर्बानी करने वाले ही कम हो गए हैं, जिसके बायस इस साल मुख्तलिफ खाबे जो हैं उनकी उनसे यही पता चला है कि ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं। लोग जो है वो इस दफ़ा रोश करवाने के लिए राने बहुत कम आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो लाहौरियों के लिए ख़ासतौर पर एक अलमिया है कि खाने पीने के शौकीन लाहौरी जो हैं वो इस दफ़ा महंगाई के बायस अपने मनपसंद खाने जो हैं वो उनसे भी महरूम हो रहे हैं। उस वफ़ात में अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़, ईद सफाई ऑपरेशन के दौरान 28,000 टन से ज़ायद आलाइशें, जानवरों की बाकियात ठिकाने लगाई गईं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर बल्दियात, कमिश्नर लाहौर और DC ने दौरे किए। ईद के पहले रोज 16,000 टन जबकि दूसरे रोज अब तक 5,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। चांद रोज जीरो वेस्ट ऑपरेशन में 8,000 टन वेस्ट उठाया गया। वजीर बल्दियात समेत इंतजामी अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर वर्किंग का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर बल्दियात जीशान रफी का कहना था कि वजीर आला की हदायत पर सफाई ऑपरेशन जारी है, जिसमें तमाम टीमें और वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। 5,000 टन से जायद जो है ना वो वेस्ट उठाई जा चुकी है, और ये ऑपरेशन कल भी रात 12-1 बजे तक चलता रहा ऑपरेशन, आज भी जब तक ये लाहौर को क्लियर नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन करते चलता रहेगा। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि लाहौर डिवीजन के दीगर शहरों में म्यूनसिपल अथॉरिटी सफाई ऑपरेशन पर मामूर हैं। चीफ मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक हम कल भी सारा दिन फील्ड में रहे और आज भी फील्ड में हैं। मैं मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि कल ये सारा दिन हमारे साथ थे, जिसकी वजह से हमारी टीमों को बड़ी इंकरेजमेंट मिलती रही और हम
अच्छे तरीके से रात गए तक काम करते रहे। CEO LWMC बाबर साहब दीन का कहना था कि शहर में 105 आरजी कलेक्शन पॉइंट को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट किया जा रहा है। डिस्पोजल जो है वो हमारी सेफ साइट्स तक जो है वो हो रहा है। तमाम कैंप फंक्शनल हैं, तमाम कलेक्शन पॉइंट फंक्शनल हैं, टीम्स जो हैं वो विजिट्स कर रही हैं। इस दफ़ा हमने स्पेशल इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स बनाए हैं जो लाहौर के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 इन्फोर्समेंट टीम्स हैं, उसमें हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। अफसरान ने मजीद कहा कि शहरियों से गुजारिश है कि LWMC की टीमों से तआवुन करें, जानवरों के आलाइशें फराहम करदा माहौल दोस्त बैग्स में डालकर सफाई अमले के हवाले करें। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पार्कों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं तलाश शफ से। ईद का दूसरा रोज है और ईद उल अजहा की खुशियों में शामिल होने के लिए पार्कों में भी शहरियों का रश लग चुका है। बड़ी तादाद में हर पार्क में जहां पर भी नजर जाती है, झूले लेने के लिए और मुख्तलिफ एंजॉयमेंट करने के लिए फैमिलीज भी मौजूद हैं। मेरे हमरा भी एक फैमिली मौजूद है, जो बच्चे भी मौजूद हैं वो भी यहाँ पर पार्क में है। बेटा कैसी गुजरी ईद आपकी? हमने 3-3 छतरे किए और ईद बहुत मजे से गुजारी है। ईद के बाद अब दूसरा दिन है, पार्कों में आ रहे हो, झूले लिए? जी। झूले लेके मजा आ रहा है? जी। अच्छा आप बताओ क्या कहोगी, ईद के बाद फैमिली के साथ आए हो, ईद का दूसरा दिन है, कैसे एंजॉयमेंट करते हो? अभी हमने झूले लेने हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल बच्चों को मजा आ रहा है, यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं। आप बताइएगा कैसे एंजॉयमेंट करवा रहे हैं बच्चों को फैमिली के साथ? मैं तो कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह इस हुकूमत ने जो सा बड़ा अच्छा निज़ाम किया है इस वक्त, इस दफ़ा जो सा ना हुकूमत ने, जो पिछली मरतबा जो हुकूमत थी उसने कोई ऐसा निज़ाम नहीं किया था जो इस मरतबा ये हुकूमत ने ये निज़ाम किया है। हर जगह सफाई करने के लिए हर बंदे हर जगह मौजूद हैं, तो मैं तो महंगाई भी बहुत कम हुई है। बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए भी जो कि तारीफें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि फैमिलीज यहाँ पर काफी एंजॉयमेंट कर रही है, खुशी के साथ झूले लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। और तलहार शफ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों के साथ साथ सियासतदान भी ईद के दूसरे रोज खुशियां मनाने में मसरूफ रहे। ख्वाजा अहमद हसन ने लीगी रहनुमाओं कारकुनों से ईद मिली। चौधरी वसीम कादर का ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। चौधरी नईम शहजाद भट्टी ने अहले हलका के साथ ईद मनाई। के साथ साथ सियासतदान भी ईद के दूसरे रोज खुशियां मनाने में मसरूफ रहे। ख्वाजा अहमद हसन ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से ईद मिली। सीनियर लीगी रहनुमाओं मियां वकास चौधरी अब्दुल रहमान ने ख्वाजा अहमद हसन को रवायती पगड़ी पहनाई। ताजपुरा में रुकन कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। चीफ कोऑर्डिनेटर NA 121 अहमद सईद, लीगी रहनुमा सफीर शाह, मियाँ हाजी अशरफ, मियाँ जुबैर, अफजाल बशीर भी शरीक हुए। इब्राहिमी है तो तमाम मुसलमान बड़े जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं, तो बींग मुस्लिम लीगी पार्टी की तरफ से ये हिदायत भी थी कि अपने वर्कर्स के साथ रابطہ किया जाए, तो ये है कि आज इंशाल्लाह ताला NA 121 के सिलसिला में तमाम दोस्तों को इनवाइट किया है। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लुद्धर ने डेरे पर कुर्बानी की और गरीबों में गोश्त तकसीम किया। यासीन गुज्जर, बाऊ असकर, खुशनूद आलम, इरफान मालिया, हाजी अब्दुल्ला, मुनव्वर रहमानी, मोहम्मद नायाब, मोहम्मद जावेद, शाहिद कोठा मालिया समेत अहले हलका ने शिरकत की। वक्फे वक्फे से दोस्त अहबाब भी मुलाकातें करने आते रहे। जोहर टाउन में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जेर एहतमाम दावत आम दी। शहरियों को बीफ कौरमा, मटन कौरमा और मीठे चावलों के साथ तवाज़े की गई। लीगी रहनुमा खालिद नेक गुज्जर, चौधरी मोहम्मद सरवर, कारी मोहम्मद याकूब शेख समेत दीगर ने शिरकत की। ये हमारा एक सिलसिला है जो कि ईद कुर्बान में हमने दावत आम के नाम से शुरू कर रखा है, तो उसी सिलसिले में आज जोहर टाउन में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकामी लोग हैं, इर्दा गिर्द के जमात के कारकुनान हैं और दीगर जो अहबाब हैं, सब के लिए एक दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। नजीर चौक बागड़िया में रुकन कौमी असम्बली बीबी वडेरी ने मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया। बीबी वडेरी का कहना था कि ईद की खुशियां दूसरों के साथ बांटने से दुबाला हो जाती हैं। अवाम की परेशानियों का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुन्नत इब्राहिमी हमें ये सारे कुर्बानी का दर्स देता है, तो इसलिए आइए आज मिल्क बांट कर खाएं, गरीबों के साथ मिलकर खाएं, इनका ख्याल रखें, चाहे गोश्त हो, चाहे खाना हो, चाहे रोटी हो। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी नईम शहजाद भट्टी ने अहले हलका के साथ ईद मनाई। डेरा गवाहा गांव में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की। अहले हलका से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पेन के सफीर की मुलाकात हुई है। एजाजी काउंसिल जनरल जलाल सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। तजारत, सरमाकारी, तालीम, सेहत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और स्पेन सफीर
और के दरमियान मुलाकात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल तजदीद तवानाई, लाइव स्टॉक और ज़रात में सरमायाकारी के इम्कान पर गौर किया गया। एसासी काउंसिल जनरल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन भी मुलाकात में मौजूद थे। हिस्पानवी सफ़ीर ने पंजाब में मजबूत इकतसादी शराकत दारी को फ़रोग देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीरे आला मरियम नवाज़ का कहना था कि स्पेन की बिजनेस कम्युनिटी के लिए टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़रात और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी मौके मौजूद हैं। एम डी वासा गुफरान अहमद ने मुख्तलिफ अंडरपासेस का भी दौरा किया। निकासियात के लिए मशीनरी और जनरेटर्स की फ़ालियत को चेक किया। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि एम डी ने मशीनरी और जनरेटर्स की फ़ालियत के बारे में भी जा रहा है। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बोले बारिशों की सूरत में तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखने का इंतजाम किया जाए। ट्रैफिक मुतासर ना हो, मानसून तैयारियों में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उज़ुहा जवेनल एस पी का शहीद अहलकारों के घरों का दौरा। एस पी ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की, तहफ भी तकसीम किए। ईद उज़ुहा जवेनल एस पी का शहीद अहलकारों के घरों का दौरा। एस पी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने ईद के पुरमसरत मौके पर शहदा की फैमिली से मुलाकात की। एस पी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने जवेन में मुकीम शहदा की फैमिली में तहफ और मिठाई तकसीम की। एस पी सदर ने शहीद कॉन्स्टेबल टीपू फरीद और कॉन्स्टेबल कमाल अहमद शहीद के घर का दौरा किया। एस पी इकबाल टाउन मोहम्मद सलमान लियाकत ने शहीद एएसआई सलीम और कॉन्स्टेबल शहीद मुख्तार के घर का दौरा किया। एस पी सिटी ने कॉन्स्टेबल शहीद फैसल भट्ट और शहीद एस पी अब्दुल समद के घर का दौरा किया। मजहबी रवादारी को फ़रोग देने के सिलसिले में आज बिशप ऑफ लाहौर बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की जामिया मस्जिद कुबरा समनाबाद आमद। बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस ने ईद उल अज़हा का केक काटा। मुस्लिम बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इत्तेहाद और भाईचारे के तहत आर्च बिशप ऑफ लाहौर बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ईद उल अज़हा के दूसरे रोज जामिया मस्जिद कुबरा समनाबाद पहुँचे। फादर अशफाक एंथनी भी उनके हमराह थे। कुल मसालक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसम मखदूम, सैयद महमूद गजनवी और कारी खालत मकबूल ने बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस का इस्तकबाल किया। बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने मौलाना आसम मखदूम और दीगर उलमा कराम के हमरा ईद उल अज़हा का केक काटा और मुस्लिम बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मौलाना आसम मखदूम ने बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से इजहार तशक्कुर किया। सबसे पहले तो मैं अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को या ईद की हम खुशियां मुबारक कहते हैं सारे इज्तमाई तौर पर, और दुआ करते हैं कि ये ईद कुर्बान के ज़रिए खुदा हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। हमारी खुशियां और हमारे गम जो हैं वो सांझे हैं। क्रिसमस हो तो हम क्रिसमस का केक काट रहे होते हैं, ईद मिलादुन्नबी हो तो हम चर्च में ईद मिलादुन्नबी का केक काट रहे होते हैं। तो ये खुशियाँ जो है ना, अकायद अपने अपने हैं, ईमान अपना अपना है, लेकिन बहसियत पाकिस्तानी हम एक घर के रहने वाले हैं। बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देने मारूफ मजहबी सकालर सैयद महमूद गजनवी की रिहाइश गाह भी पहुंचे। सैयद महमूद गजनवी ने मजहबी रवादारी को फरोग देने के सिलसिले में आए वफद का इस्तकबाल किया। सब लोग मिलकर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा पैगाम है कि पाकिस्तान में खुशगवार माहौल है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मजहब मसलक और नस्ली तासुब पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह इसको फैलाने वाले हैं वो नाकाम हो रहे हैं। मुस्लिम मसीही मजहबी रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा पर मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहदा को भी खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। ईद के दूसरे रोज कमिश्नर जैद बिन मकसूद का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार का दौरा। जैद बिन मकसूद ने बच्चों में ईद के तहफ खिलौने तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार के दौरे पर ए सी शालीमार, अनम फातमा और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने बच्चों में ईद के तहफ खिलौने तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर ने ब्यूरो में मुकीम बच्चों को गले लगाया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ गुजारे गए ईद लम्हात सबसे बड़ी खुशी हैं। ओल्ड एज होम में ईद की मुनासबत से जहरानी का अहतमाम। सनतकार साजिद बशीर और वसीम असलम कुरैशी ने जहरानी का अहतमाम किया। टाउनशिप में सहर फाउंडेशन में कायम ओल्ड एज होम में ईद की मुनासबत से जहरानी का अहतमाम किया गया। जहरानी का अहतमाम सनतकार साजिद बशीर और वसीम असलम कुरैशी की जानिब से किया गया। जहरानी का मकसद उन बुजुर्गों के साथ ईद की खुशियाँ गुजारना है जो किसी वजह से ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर हैं।
ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सिनेमा घरों में आवाम का रश, तमाम हाउसफुल टिकट हासिल करने के लिए लंबी कतारें। आवाम कहते हैं अच्छी फिल्में अहले खाना के साथ देखने से मजा दुबाला हो जाता है। मज़ीद जानेंगे उस्वा फातिमा से। जी उस्वा, साइनमैक्स सिनेमास में मौजूद हूँ जहाँ पर आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग पर आई हुई है, अपने अहले खाना के साथ मौजूद है। कुछ जो है वो यहाँ पर दोस्त आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि ईद जो है वो इकट्ठे मिलकर इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ तफरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जो है वो मज़ीद दोबारा हो जाता है उसका मज़ा। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इन्होंने कौन सी फिल्म देखी है, इनको क्या क्या जो है वो उसके रिव्यूज़ हैं। मुझे बताइएगा आपने आज कौन सी फिल्म देखी है और क्या रिव्यूज़ हैं उसके? जी उमरो, यार फिल्म देखी है और इट्स अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। हम लोग जो हॉलीवुड की चीज़ें देखते हैं और उनकी कहानियां देख के हम लोग बड़ा इंप्रेस होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की फिल्म जो है वो आपको बेहतर लग रही है ना, पाकिस्तान। आपने आज कौन सी फिल्म देखी है, आपको क्या? जी हमने इंडियन पंजाबी मूवी देखनी है, शिंदे शिंदे, बड़ी तारीफें सुनी है उसकी, जहाँ भी चल रही है आजकल ये नेट के ऊपर। अभी हमें देखनी है। अब देखें, अभी देखने के लिए बड़ी तादाद आ रही है, टिकट खरीदी जा रही है। मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, मुझे बताइएगा आज आप बच्चों के साथ पूरी फैमिली आई हुई है, कौन सी फिल्म देखी है, कितना क्या रिव्यूज है उसके बारे में? हमने उमरो यार मूवी देखी है अभी, तो अच्छी थी मूवी, हटके थी, नया सब्जेक्ट था और साइंस को और फिक्शन को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला के इन्होंने बनाई है। बिल्कुल, आपने जाना आज जो है वो मुख्तलिफ अस्वा फातिमा। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।